नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि कोरोना योद्धाओं को सम्मान दिया जा रहा है, यहाँ पर हूँ मैं ओम शांति प्रांगण सफीदों में, और हमारे साथ समाज सेवी कह लीजिए या एक मंझे हुए राजनेता कह लीजिए, सुनील बाबू है। लेकिन आज इनको जो सम्मान दिया गया है वो समाज सेवा के लिए दिया गया है, उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आज आपको सम्मान मिला धन्यवाद जी, है। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जी, लॉकडाउन में आपने खूब सेवा की है, लोगों के बीच ही तकरीबन आप रहे हैं। मैं जब भी आपको देखता था तो आप फील्ड में ही रहते थे। क्या कभी परिवार ने या खुद को नहीं आया कि खतरा बड़ा है, मैं थोड़ा सा पीछे रहूं, रुकूं? देखिए, बिल्कुल आया। कहीं ना कहीं जो अंदर जो मानवता थी ना, इंसानियत, उसने रहने नहीं दिया, और मेरी जिम्मेदारी भी बनती थी। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आपको तो मौका मिल गया, आप चाहते थे कि कुछ ऐसा अगर कहीं भी मौका मिले, आप अपने आप को झोंक दे समाज के लिए, तो वो लॉकडाउन या कोरोना ने मौका दे दिया और आपने अपना 100% किया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा प्रयास रहता है 100% देने का, चाहे कोरोना का ये जो महामारी थी या कोई भी, रात दिन मेरा प्रयास रहता है ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों के बीच में रहूं। कंचन और फाउंडेशन ने सम्मानित किया, कैसा महसूस कर? धन्यवाद जी, अच्छा लगा, आत्मविश्वास हमारा बढ़ा कि ऐसे ऐसे करने से एक सम्मान पत्र भी मिलता मतलब है। एक हाँ समाज में एक पहचान जी, बनती है, लोगों में एक छवि बनती है कि हाँ, इन्होंने हाँ अच्छा काम किया, अच्छा, समाज सेवी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जी, जी सम्मानित किया। और मैं तो तकरीबन जितनी भी सुविधाओं में सामाजिक संस्थाएं हैं ना, चाहे कंचन फाउंडेशन है, जी भारतीय विकास परिषद है, जी जितनी भी है, जैसी जैसी वाले हैं, सभी जो भी फोन मार देता है मैं तो हाजिर। जी बिल्कुल अपना बिल्कुल भवन में फोन मारते हैं दीदियां, तब जी भी मैं तो जी हाजिर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है कंचन टीवी, और बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई। जी, तो ये थे सुनील बाबू, कहते हैं कि वो समाज के लिए ही थे, लेकिन अब इनको और मौका मिल गया, राजनेता की जो छवि थी उससे इतर भी उन्होंने काम किया है इस लॉकडाउन में। मैं धन्यवाद करता हूँ इस बार कंचन फाउंडेशन का तहदिल से, क्योंकि जो भी सेवा की जाती है वो निस्वार्थ भाव से की जाती है, इसमें कोई किसी चीज का स्वार्थ नहीं होता। और जैसे ही ये कोरोना वायरस की जो भी बीमारी आई, जो आपदा आई देश के ऊपर, तो उसमें हम सेवा कर रहे थे, करते करते शाम को मुझे भाव आया, मैंने बोला, बच्चों का फोन आया कुछ टाइम आओ गया, तो मैंने कहा अगर मैं ठीक रहा तो जरूर आऊंगा, अगर ठीक नहीं रहा तो शायद मैं ना आऊंगा। तो मैं आज फिर से यशपाल जी और कंचन फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ जो इस मान सम्मान के हमें लायक समझा। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा हरभजन भाई का, बड़े भाई की तरह हैं, हमें हमेशा स्नेह देते हैं और बड़प्पन है उनका, और जितना आप लोगों ने किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, हमारी एक छोटी सी कोशिश है और शायद हम थोड़ा सा कामयाब रहे हैं इस कोशिश में, तो आप सबकी दुआएं हैं। सम्मानित करने निकली थी कोरोना योद्धाओं को, पिछले 4 दिन से हम सम्मान दे रहे हैं, और यहाँ पर आज सम्मान देने हम पहुंचे हैं ऐश्वर्य विश्वविद्यालय के प्रांगण में, और यहाँ पर हमारे साथ है हरभजन सिंह सैनी। हरभजन सिंह वही व्यक्ति है जिन्होंने सफीदों के नगर पालिका में सैनिटाइजर रूम चैम्बर का निर्माण किया था पुराने सामानों से, वो हमारे साथ है। आज इनको कंचन फाउंडेशन की ओर से सम्मान दिया गया। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद जी, मैं भी कंचन टीवी का बहुत धन्यवाद, दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने इस मान सम्मान के लायक समझा हमें और ये मान सम्मान दिया। मैं फिर से जी, मैं धन्यवाद उसी बात करता पर आने हूँ। वाला हूँ। कंचन फाउंडेशन आज आपको सम्मानित किया है, जो आपकी सेवाएं लॉकडाउन में दी गई थी आपके द्वारा, कैसा महसूस हो रहा है आज सम्मान पाके? बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि मैं आज इस लायक हूं कि मैंने ये सेवा दी, और इस सेवा देने के कारण ही आप सभी ने मुझे इस लायक समझा कि सम्मान दिया जाए, और आपने ये सम्मान दिया। मेरा एक जो रुतबा है वो बड़ा है, और सफीदों के अंदर जो मेरी मान सम्मान का वो है, उसमें मैं ये अपना एक जी बिल्कुल बिल्कुल, मान और मैं सम्मान। बताना चाहूंगा दर्शकों को, मान सम्मान कंचन फाउंडेशन ने नहीं दिया, वो उनकी सेवाएं हैं, उनके नेकी है जो उनको फल मिल रहा है। कंचन फाउंडेशन तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा है, जो योद्धा थे उनको सेवाएं जिन्होंने दी थी उनको सम्मानित करके, छोटा सा सम्मान दे के उनका शोभा बढ़ा रहा है। सम्मान के हकदार आप हैं। कैसा लगता है, परिवार को कैसा लगता है जब आपने सेवा की थी? थोड़ा बहुत डर रहा होगा उनके मन में, फिर भी आप लगे रहे? परिवार को डर था, ये सभी तो सभी को पता है कि जितनी खतरनाक महामारी थी, और इसमें सभी अगर घर बैठ जाएंगे तो
इसमें आगे कौन आएगा? कैसा लगता है जब आप देखते हैं, आपने इस विकट परिस्थिति में, विकट से समय में काम किया सेवा की, कैसा लगता है सोच? बहुत अच्छा लगता है कि हम बच्चों को भी एक सीख दें कि अगर कोई भी आपदा आए उसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लें, और अगर आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी तो एक आनी जानी है, जिंदगी तो एक जीवन, जैसे जिएंगे उसको जैसे जिस तरह डालेंगे उसी तरह आएगा। और हम तो ये सोचते हैं कि जिंदगी को अगर एंजॉय करके और फक्र से जिया जाए तो। आपकी माता जी ने चाहा होगा कि बेटा ना जाए, आपकी पत्नी ने चाहा होगा बेटा ना जाए खतरे के बीच। अब आप एक पिता हैं, अगर आपका पुत्र कल को वो जाता है, इस तरह की महामारी आती है, वो सेवा के लिए निकलता है, तो क्या एक पिता की हैसियत से आप उसको रोकेंगे या जाने देंगे? बिल्कुल नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरे बेटे की भी एक इच्छा है और बेटे ने भी बड़ी सेवा की है। जैसे जो भी इसको संघ की तरफ से, आरएसएस में भी है, बेटे को जो भी कार्य दिया गया है संघ की तरफ से, इन्होंने चाहे वो सैनिटाइजर बांटने का है, चाहे वो मास्क बांटने का है, घर में सील के खुद बेटे ने मास्क बांटे हैं रोज। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो संस्कार है वो डीएनए से अब चले गए हैं आपके परिवार में भी। पारिवारिक है ये तो, सभी के पारिवारिक आते हैं, हमारा भी जो डीएनए है वो पारिवारिक है। जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने भी बड़ी सेवा की है और देश के हित में ही जो कार्य किया है वो देश के हित में। बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगे आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और कंचन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो ये थे हरभजन सिंह सैनी, जो सेवा की है उनके लिए आज सम्मान मिला है, काफी गदगद है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो इस इनाम के हकदार थे और वही उन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे कंचन टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं यशपाल कंचन।